गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक हसनपुर में स्थित अहरोला अहमद चारखा गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान रजनी है। लगभग 1260 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 97 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 12 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 347 शौचालय, पानी निकासी के लिए नाला तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत अरोला जिला अमरोहा विकास खंड मैं ग्राम प्रधान पति। हमारी मांग ये है कि हमारे एक तो संपर्क मार्ग से जुड़ा हुआ निगम नहीं है और जी की न स्वास्थ्य केंद्र है न पंचायत घर है और गाँव के सारे रास्ते कच्चे हैं, जितनी देहातियों से काम कराया जाता है और क्या कहते हैं हमारे यहाँ आवासों से वंचित 40 कम से कम 40 हैं। ना ही वृद्धा पेंशन बनवाई थी 8, अभी कोई पैसा नहीं आया उनका, ना ही वो चढ़ी हैं। अभी 347 शौचालय बनवा दिए हमने, ना ही हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही हमारे यहाँ पंचायत घर है।